सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बड़ा, कौन लूटा, कौन पीटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जयपुर दिस वीक। इस हफ्ते की खबरों की शुरुआत करते हैं एक दर्दनाक खबर के साथ। एक आदमी अपने साथी से बदला लेने के लिए, बदला किस बात का, इस बात का कि उसने उसके साथ धोखा किया, उसके हाथ काट देता है। क्यों? क्योंकि धोखाधड़ी के रुपयों से खरीदे गए गाड़ी टाटा सुमो को कभी वो उन हाथों से चला ना पाए। देखते हैं प्रियशरण शर्मा की रिपोर्ट। रामगंज थाने में बंद अजय घोष ने गंडासे से सरेराह अपने साथी जौहरी के दोनों हाथ काट डाले। अजय ने इसके बाद खुद पुलिस को इसकी सूचना भी दे डाली। अजय और मृतक अशोक पाल में 8 लाख रुपए के हीरो को लेकर विवाद चल रहा था। अजय की माने तो उसके यहाँ काम करने वाले अभिजीत वो हीरे चुरा कर ले गया। इसके बाद अभिजीत और मृतक अशोक पाल दोनों मिलकर काम करने लगे। इसी बीच अशोक पाल ने टाटा सुमो भी खरीद ली। अजय का मानना है कि ये गाड़ी धोखाधड़ी के रुपयों से खरीदी गई है। ऐसे में उसने अपने साथी जौहरी के दोनों हाथ ही काट डाले। सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर चलती है आरसीए। आरसीए की पूरी गतिविधियां यहीं स्टेडियम में चलती हैं। लेकिन खेल के लिए, क्रिकेट के लिए बने संगठन में खेल कम दिखता है, राजनीति ज्यादा दिखती है। इसी राजनीति का शिकार हुए नन्हे नन्हे बच्चे। अंडर 16 के बच्चों का कैंप था और घंटों तक गेट पे ताले लगे रहे, बच्चों को इंतजार करना पड़ा। अंत में बच्चों ने नारे लगाए तो जाके गेट खुले। ये हैं भविष्य के सचिन और धोनी जैसे क्रिकेटर। प्रदेश भर से ये खिलाड़ी एसएमएस स्टेडियम में चल रहे अंडर 16 क्रिकेट कैंप में भाग लेने आए हैं ताकि क्रिकेट के टिप्स सीखकर इंडियन और रणजी टीम में खेलने का सपना पूरा कर सके। लेकिन इन्हें तो मैदान में प्रवेश करने के लिए ही मशक्कत करनी पड़ रही है। आरसी और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के बीच चल रही रस्ताकशी के चलते मैदान में इनके घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। 5 घंटे ये प्लेयर्स गेट पर भूखे प्यासे खड़े रहे। बेटी बचाओ, कन्या बचाओ, इस तरह के तमाम नारों को इस हफ्ते की एक वारदात ने झुठला दिया। जगतपुरा रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में एक नवजात बच्ची मिली। लोगों ने जिसने देखा उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। बच्ची की हालत नाजुक थी और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको याद दिला दें, कुछ ही दिन पहले एक और बच्ची को, अनन्या को, ऐसे ही एक अस्पताल में उसके माँ बाप छोड़ गए थे। इस मासूम बच्ची को जिस वक्त माँ की गोद में होना चाहिए था, उस समय इसकी बेदर्द माँ ने इसे लावारिस छोड़ दिया। इस नवजात ने भले ही अपनी माँ को नहीं देखा हो, लेकिन दुनिया इसे देखने के लिए जरूर इकट्ठा हो गई। आरपीएफ ने शुक्रवार सुबह करीब 9:15 बजे 108 को इसकी सूचना दी थी। हॉस्पिटल पहुंचते समय बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और नाल भी शरीर से लिपटी हुई थी। डॉक्टर्स की माने तो बच्ची को जगतपुरा रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में फेंक दिया था। इस हफ्ते भाजपा के अंदर काफी उथल पुथल हुई। एक तरफ तो प्रदेश संगठन के चुनावों को लेकर बड़ी बड़े बातें हुई और अब आला कमान ने उसमें अपना फैसला सुना दिया है कि निर्णय उन्हीं को लेना है। वहीं शहर भाजपा की बैठक हुई, उनका शिविर लगा 3 दिन का, लेकिन 4 प्रभावी विधायक उस शिविर में नहीं पहुंचे। चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पीयूष शर्मा की रिपोर्ट देखते हैं।
अनुशासित कहलाए जाने वाली बीजेपी के नेताओं को अब पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों से शायद कोई वास्ता नहीं। वर्चस्व की लड़ाई में ये नेता इतने आगे निकल चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व भी उन्हें बोना ही नजर आने लगा है। जामडोली में चल रहे शहर भाजपा का प्रशिक्षण शिविर इसका ताजा उदाहरण है। कार्यक्रम शहर भाजपा का था तो शहर अध्यक्ष के घोर विरोधी माने जाने वाले विधायक कालीचरण सराफ, अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत और मोहनलाल गुप्ता इसमें शामिल नहीं हुए। इन्होंने प्रदेश नेतृत्व को शिविर में नहीं आ पाने का कारण बताना भी उचित नहीं समझा। और अब लिए चलते हैं आपको एक नन्हे से कलंदर के पास। ये बच्चा, इस बच्चे के करतब आप देखिएगा। इस हफ्ते इसने मार्शल आर्ट में नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या क्या करतब दिखाए, देखते हैं महेश की रिपोर्ट। मार्शल आर्ट्स में अपना नाम कमाने की चाह रखने वाले शहर के सारांश शर्मा को ऐसा जुनून चढ़ा कि वो अपने सिर से टाइल्स तोड़ने का अभ्यास करने लगे। कोच विक्की वाले के साथ प्रैक्टिस कर रहे सारांश ने बुधवार को अपने हुनर का प्रदर्शन किया। केवल 14 सेकंड्स में 10 से 15 के स्टेप में रखी गई टाइल्स को सिर से बड़ी कुशलता के साथ तोड़कर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए अपनी दावेदारी उन्होंने प्रस्तुत की। इस हफ्ते की खबरों में बस इतना ही। अब चलते हैं फेसबुक पर। फेसबुक के सेगमेंट पर हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए मेरा भारत महान की एक थीम आपको नजर आएगी। अमेरिका से तुलना की गई है। यहाँ बताया गया है कि हमारे यहाँ के बच्चे शेरों के साथ खेल कर बड़े होते हैं और वहाँ कॉकरेज से डर डर कर। बहुत अच्छे। इस तस्वीर को देखिए। वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच ये जुगाड़ अद्भुत नजारा आपको दिखाएगा कि एसी का जो वेस्ट पानी है, जो पाइप है, वो सीधे कूलर में लगा दिया गया है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा जुगाड़ और कोई दूसरा नहीं हो सकता। जयपुर के जितेंद्र माथुर की वॉल पर चलते हैं। फेसबुक इनकी किचन तक पहुंच गई है। खाना बनाते समय फेसबुक बराबर की गैस पे कैसे रखी हुई है, लैपटॉप रखा है, फेसबुक ऑन है। इससे बड़ा फेसबुक एडिक्शन मुझे नहीं लगता कि दूसरा हो सकता है। और अब चलते चलते लतीफे के तौर पर फेसबुक फोटो को देखिए। यहाँ साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है ज्ञान न बांटे, यहाँ पहले से ही बहुत ज्ञानी है। आज के लिए बस इतना ही। जयपुर दिस वीक में हमें इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। और आप हमारे इस पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं www.bhaskar.com पर। लॉग इन कीजिए और हमें देखिए। नमस्कार, शब्बा खैर, अलविदा।